Subscribe and press the bell icon for latest update. आज गुजरात चुनाव के जैसे ही नतीजे आने लगे वैसे ही सभी नेताओं के बयान सामने आने लग गए, लेकिन सबको इंतजार था पाटीदार नेता हार्दिक पटेल का, क्योंकि उनका बयान सामने आने में देरी हो रही थी। लेकिन अब हार्दिक का बयान सामने आया है। उन्होंने फिर से पुराना राग गाते हुए ईवीएम पर ठिकरा फोड़ा कि बीजेपी ने हैक करके अपनी सरकार बनाई है। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल ने कहा, मतगणना से पहले भी कहा था कि रात में ही बीजेपी ईवीएम को हैक कर सकती है, तो वहीं हार्दिक के आरोपों पर पलटवार करते हुए कलेक्टर अवंतिका सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि ये आधारहीन आरोप है। मैं नहीं समझती हूँ कि किसी सफाई की जरूरत है। यदि किसी तरह की सफाई जारी की भी जाएगी, ये चुनाव आयोग द्वारा जारी की जाएगी। इसी बीच मतगणना के बाद बीजेपी की जीत पर हार्दिक ने कहा कि अब नए तरीके से आंदोलन करेंगे। SPN9 न्यूज की रिपोर्ट।